आई एम अभिषेक, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 15 जो कि है पेरिमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो आज एक्सरसाइज 15 ए का क्वेश्चंस नंबर 19 देखेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो नाउ क्वेश्चंस मैं रीड करता हूँ। 19 देखिए, 19 नंबर क्या है, फाइंड द एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, तो ईच ऑफ व्हिच इक्वल साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर हैविंग द वैल्यू दिया हुआ, टेक द वैल्यू ऑफ रूट 2 1.41 राइट। तो सबसे पहले मैं इस फिगर के अनुसार आपको समझाने का कोशिश करता हूं। कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है, यह आपका राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसका और एक चीज राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन ईच ऑफ व्हिच इक्वल साइड और आइसोस्केलस है, यानी कि दो साइड इक्वल होगा, ठीक है ना, हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। जैसे अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, जैसे यहां पर देखिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, कह रहा है ईच ऑफ व्हिच इक्वल साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर, दो इक्वल साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसमें से आपको गेन करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, गेन करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, गेन करना। तो कैसे होगा, सबसे पहले अगर एरिया की बात करें तो एरिया तो आसानी से गेन हो जाएगा, क्योंकि हमें बेस दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिख सकता कि जो 10 सेंटीमीटर आपका बेस है और परपेंडिकुलर हाइट कहा जाता है, तो आपको 10 सेंटीमीटर दिया हो, तो यहां से तो एरिया गेन हो जाएगा, लेकिन आपको पेरीमीटर गेन नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि जब तक हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या जरूरी पड़ता है दोस्तों, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सम पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल का पूरा साइड चाहिए, लेकिन पूरा साइड यहां पर नहीं है, तो अब सबसे पहले एक साइड एब्सेंट है जो कि हाइपोटेनस वाला, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल कर दिखाता हूं क्या होगा दोस्तों सॉल्यूशन, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ कि ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल ईच कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर दो साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां से क्या करेंगे, नाउ यहां से आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ आर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे सिंपल सा दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इनटू हाइट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, बेस को बी से और एच को एस से, ठीक है, तो ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगा, आप ये वाला हाइट मत लीजिएगा, ये हाइपोटेनस होता है, ये आपको परपेंडिकुलर, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हो, जब दिया रहेगा बेस और हाइपोटेनस हाइट दिया रहे तो 1/2 बेस कितना दिया हो 10 इंटू 10 हाइट भी दिया हो, 2 5 10 यानी कि आ गया 5 × 10 तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से क्या गेन हुआ दोस्तों, यहां से आपको सिंपल सा गेन हुआ एरिया, क्या गेन हुआ एरिया यहां से गेन हुआ। अब हमें सबसे पहले यहां पर आपको पेरीमीटर निकालने से पहले हमें इसको साइड गेन करना होगा, इस ट्रायंगल को पूरा साइड गेन करना, तो एक साइड अभी लेफ्ट नहीं निकला हुआ, तो ये साइड को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड को फाइंड आउट करूंगा, देन उसके बाद पेरीमीटर निकालूंगा। तो यहां पर नाउ उसके बाद चलेंगे नाउ, यहां पर क्या कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को मैं यूज कर सकता हूं, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो देखिएगा ध्यान से, तो एच स्क्वायर नहीं दिया हुआ, लेकिन पी तो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस बेस भी दिया हुआ हमारा 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस ए आपको 100, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आप देखिए ध्यान से, एच स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100 यानी कि 200 आ जाएगा राइट। एक चीज और आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को, मैं आगे लेकर जा रहा हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू 200 ये हमारा निकल कर आया था, लेकिन स्क्वायर तो रूट में जाएगा, ये तो आपको आता होगा, तो एच इक्वल टू रूट 200 हो गया। आप देखिए ध्यान से सिंपल सा, एच इक्वल टू सिंपल सा इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमें रूट टू बाहर निकालना है किसी तरह से अलग करना, तो आपको 2 × 100 करेंगे, अब आपको रूट 100 को क्या लिख सकते हो, रूट 100 को आप लिख सकते हो सिंपल सा, 10 बाहर निकलेगा कॉमन में और ये 2 बच जाएगा रूट 2। अब यहाँ पर रूट 2 का वैल्यू यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से, क्या हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा कहानी, एच इक्वल टू हो जाएगा 10 × √2 का वैल्यू 1.41 यूज कर लेते हैं, काफी आसान है।
जब ये यूज हो जाएंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 14.1 सेंटीमीटर। अब ये क्या निकल कर आया 14.1 सेंटीमीटर गेन हुआ। अब यहां से देखिए तो ट्राइंगल का पूरा साइड हमें पता चल गया ऑल साइड। अब हम यहां से पेरीमीटर आसानी से गेन कर पाएंगे। नाउ अगेन चलेंगे फिर से अगेन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ आ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड लगा देंगे। सिंपल सा कहानी है, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया हो पहला राउंड में, ये 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 14.1 सेंटीमीटर टोटल आ जाएगा 34.1 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये पूरी तरह से क्या आ गया आपका पेरीमीटर गेन हुआ। यहां से पूरी तरह से क्या गेन हुआ था एरिया गेन हुआ था। तो आप आई थिंक ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।